मीट फ्राई हो गया एकदम रेडी हो चुका है और अभी हम खाएंगे भाई। अभी कुछ है बचा हुआ वो फ्राई हो रहा है और सोनू भाई कर रहे हैं फ्राई। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और आप सब कैसे हैं? और इश्फाक व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज का व्लॉग चंद्रकोट से स्टार्ट हो रहा है और अपने टाटा गैरेज FM ऑटोमोबाइल से स्टार्ट हो रहा है। और अभी बताता हूँ मैं गैरेज का और अपना आज असल में मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं आया हूँ अपने बादशाह को लेके, उसके कुछ हिस्से का काम वगैरह करवाना है और FM मोटर में आया हूँ मैं। और ये देखिए FM ऑटोमोबाइल्स, टाटा मोटर्स का गिराज है ये, और यहाँ पे मैं आया हूँ अभी। FM ऑटोमोबाइल्स बहुत ही अच्छे, मतलब कि यहाँ पे जब भी कोई भी गाड़ी वाले आते हैं तो उनकी बहुत ही अच्छी डील करते हैं। अच्छी में डीलिंग इनकी बहुत अच्छी है। आज बारिश का मौसम है, मैं आज आया हूँ तो बोला भाई लगाओ गाड़ी, कर देंगे काम। तो अभी इनके पास अलाइनमेंट टूल्स वगैरह सब भी, मतलब ऑल टाइप टूल्स रखे हुए हैं। कोई भी टाटा की गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम हो, लैपटॉप्स वगैरह सब सब कुछ इनके पास दस्तयाब है। जब भी कोई आए तो चंद्रकोट टाटा गैरेज जो है बहुत ही अच्छी डीलिंग करते हैं और सब सामान इनके पास होता है। तो अभी आगे का बताता हूँ मैं, जो इनका क्या बोलते हैं अलाइनमेंट टूल्स है भी बहुत ही मस्त है। और ये है इनका अलाइनमेंट टूल्स, बहुत ही मतलब कि अच्छा है और अच्छी डीलिंग करते हैं देते हैं। और ये देखिए अलाइनमेंट टूल्स, अच्छा अलाइनमेंट आपकी यहाँ पे होती है, ओके ओके। और इनकी डीलिंग बहुत ही अच्छी है, जो भी यहाँ पे टाटा गैरेज में कोई भी ड्राइवर आया तो अच्छी डीलिंग देते हैं। और इनका काम बहुत अच्छा, हर किस्म की गाड़ी, छोटी से ले छोटी भी, मतलब कि ओनली टाटा की या उसके अलावा भी, मतलब जो है टाटा के अलाइनमेंट भी हर एक गाड़ी की होगी। अच्छा टाटा वाली हर एक गाड़ी की अलाइनमेंट होती है यहाँ पे, अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। ओके 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 ओके। तो इनके पास हर टाइप गाड़ी की अलाइनमेंट दस्तियाब है। और जो भी मतलब कि छोटी गाड़ियां में टाटा की जो भी मतलब की आती हैं उन सब में इनकी अलाइनमेंट हो जाएगी यहाँ पे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो टाटा की गाड़ी में या किसी में तो यहाँ पे आके आएँ, इनकी डीलिंग बहुत ही मस्त डीलिंग है। तो अभी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसका भी काम चल रहा है, तो अपने बादशाह का भी काम करवाना है आज थोड़ा, वो भी करवा लेंगे बादशाह का भी। तो मतलब बादशाह का हिस्से का और कुछ लीकेज का काम है वो करवाएँगे, उसके बाद निकलेंगे। बताएँ आज काम हो पाएगा या नहीं। तो यो इनके अभी मिस्त्री वगैरह कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, ये इसके अलाइनमेंट जो टूल्स है उसकी कैमरों की लाइट्स वगैरह बहुत ही मस्त लाइट है इनकी। तो देखते हैं कब तक रहता है काम, कैसा रहेगा काम अपना। तो अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, ठंड से कुछ कांप रहे हैं, ठंड से कुछ कांप रहे हैं। तो चलते हैं अंदर पहले, फिर देखते हैं आगे का सीन की रहा है सीन। ओके अभी हम आग वगैरह सेक रहे हैं और उस्ताद जी आ रहे हैं सामने से, वो आगे अपने उस्ताद जी जो गाड़ी का काम करेंगे। तो अभी आ रहे हैं अपने उस्ताद जी टाटा गैरेज में, जो जनरल मिस्त्री हैं वो आ रहे हैं अभी। तो हम अभी आग सेक रहे हैं और उस्ताद जी देखो गाड़ी को, देख रहे हैं गाड़ी वगैरह, क्योंकि अभी यही काम करेंगे, इन्होंने हिस्से वगैरह खोलना है और भी कुछ काम वगैरह जो है। तो आग वगैरह सेक लेते हैं। तो उस्ताद जी क्या चक्कर है, हो जाना आज काम, नहीं हो जाना आज बारिश है, कल देखेंगे। अच्छा कल, ओ तो बोल रहे हैं कल के लिए। तो देखते हैं हम कुछ टाइम के बाद घर की तरफ निकलेंगे और अपने बादशाह यहीं पर रहेगा, तो आगे कर देखेंगे। मित्रा दी मुच्छा भाई, बादशाह की मुच्छें देखे क्या कहते हैं, जहर लग रहा है। तो सेक लेते हैं आग वगैरह, तो आगे का सीन देखते हैं फिर। यहाँ पे पूरी क्लोज है, पूरी लैंडस्लाइड आई हुई है अकरोल में। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, मैं अपनी गाड़ी गैराज में लगाई, काम आज हुआ नहीं, तो बोले लगे भाई दो तीन दिन में सामान आ जाएगा, गाड़ी लगा के चला जा। मैंने गाड़ी वहीं पर लगाई और मैं यहाँ से आके अपने उस्तादों के साथ इन्हें सीमेंट लोड किया, तो इन्हें सीमेंट बना उतारनी, कहाँ संगलदान उतारनी तुम्हें ना, संगलदान में उतारनी है। तो आके अभी क्रोल पहुँचे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर आए हुए हैं रोडों में और बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, तो ऊपर से पार। और आज दरिया का कलर बहुत ही अलग हुआ है भाई, बारिशें हुई हैं पीछे तो बहुत ही दरिया का कलर ही चेंज हो गया है। अभी मैं जसवाल ब्रिज से क्रॉस हो रहा हूँ क्रोल से, तो अभी का व्यू कुछ इस तरह का है देखिए। और आगे नेशनल हाईवे पर अभी आज कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मसला ये हो गया भाई कि अपना पत्थर आ रहे रोड, पहाड़ पहाड़ से पत्थर आ रहे, पुंठियाल में भी पत्थर बड़े गिरे हैं, रोड बंद है, करोल में भी रोड बंद ही है मेरे हिसाब से। तो ये देखिए ऊपर कहाँ से वो पहाड़ के पत्थर पानी आ रहा है, जो ना वो ऊपर से आ रहे हैं पत्थर, दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये आ रहे हैं यहाँ से, तो कोई भी ऐसे ना निकले भाई उस्ताद जी, नेचुरल लाइफ पूरी क्लोज है। करोल अपनी सोनू की गाड़ी यहाँ खड़ी है, सोनू लगे हैं बंदे, लगे हैं बंदे।
यार ओ हो गैस चला बंदे क्या है, तभी बोलो इतनी गर्मी कैसे है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आगे रास्ता पूरा बंद है ना, रास्ता बंद है तो बैठे हैं रोटी छोड़ भाई जान। इधर से आगे स्नो भी है, हैं इधर से आगे स्नो भी है, स्नो भी है। एक मिनट में आया, मैं अभी आया, वहां से बंदे बुला रहे हैं। लगी रही है वीडियो, लस्सी बना रहे हैं ना, पूरी बनाया साड़ी, पूरी चाय पिलाओ यार। चाय पिला के दी पहले वीडियो, एक चुका मैं चाय दी बने कर दी वीडियो। टेंशन क्या कर रहा था तू, व्यू चले कर रहा है इसे बाहर ही। अपने उस्ताद लोग सारे बैठे हैं भाई, पी रहे हैं चाय वगैरह। तो आज बारिश तो रुक नहीं रही, हमने भी लोड करने जाना था तो बारिश नहीं रुक रही है। और सताए सारे ठीक ठाक हो, मजे भी जो, और बाकी फिट फाट। गड्डी किधर है, तुसी भी आ जांदे लिखो, तुसी नंबर 1 हो गए यार। वो सर्विसिंग भी रखी थी नहीं। हां हां अभी हम क्रोल में और अभी आर भाई की गाड़ी में बना रहे हैं हम मीट। अपना सोनो साहब बना रहा बहुत लजीज टाइप का मीट बन रहा है भाई, ये देखिए बहुत धुआं लग रहा है यार। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मैं भी चंद्रकोट से मज़ा पहुंचा था और अभी चल रहा है भाई मीट बन रहा है, मीट बना के खाएंगे खाना, क्योंकि मैंने दिन को खाना तो नहीं खाया। तो अभी यार भाई मैं और सोनू भाई खाएंगे खाना, मीट वगैरह हो रहा है फ्राई अपना। मीट फ्राई हो गया, एकदम रेडी हो चुका है और अभी हम खाएंगे भाई। अभी कुछ है बचा हुआ, वो फ्राई हो रहा है और सोनू भाई कर रहे हैं फ्राई और आरिफ मोबाइल पे मज़े मार रहा है। वो मीट फ्राई हो गया और अभी हम खाएंगे, क्योंकि भाई सुबह से भूखे हैं। तो वहाँ पे मैंने कुछ खाया नहीं, तो यहाँ पे आया था भाई, इन्होंने बोला बनाएंगे कुछ, खाते हैं कुछ। तो आज पार्टी भी हो रही है भाई, मीट या चिकन फ्राई। भाई बना दिया बंदे ने दूसरे साहब का और अब हम इसको नोश फरमाएंगे। और सोनू भाई अभी घुमा ही रहा है पतीला में, तो रोको खा लेते पहले, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आग वगैरह सेक रहे हैं, शाम का टाइम और अभी निकलते घर के लिए। सो आरिफ की गाड़ी खाली हो गई है, तो सोनू गाड़ी मोड़ रहा है। सोनू मोड़ जल्दी गड्डी, लेट हो गया। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, आरिफ साइड पे गया, मोड़ गड्डी यार, मोड़ 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 गड्डी, मोड़ लेता पहले इंडिकेटर को। चलते हैं, बैठते हैं उसी गाड़ी में, तो निकलते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। ओके की रिपोर्ट, ठीक है ओके, करते हैं गाड़ी। वो गाड़ी जो है आधे रास्ते तक आई, तो मैं अभी कौन सी में क्या बोलते हैं यार पत्ती में मुझे उसने छोड़ दिया, तो वहाँ से निकल गए। तो मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ, आपको अभी पीछे से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही जिसमें मैं बैठ सकूँ। अभी अंधेरा भी हो चुका है, कुछ कुछ अंधेरा हो रहा है। नेशनल हाईवे पूरी सुन पड़ी है, क्योंकि उस पर मुसीबत पड़ी है ये कि अभी आगे पंडियाल में पत्थर वगैरह आए, उसके तो हाईवे क्लोज। तो और क्या हाल है, ठीक ठाक हो, बस गड्डी देखे जा रहा हूँ। तो चलते हैं अभी घर की तरफ, और ऊपर सुमड़ वगैरह जितने भी है सामने, यहाँ से बर्फ़ दिखाई दे रही है, बर्फ़ पड़ गई है, खिंच खिंच के बर्फ़ पड़ी है। तो मौसम एकदम हो गया है, ये देखो ऊपर बर्फ़ पड़ गई है सारे, क्योंकि आज दिन को बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो मैं कब पहुँचूँगा घर देखता हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।